हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल आज का हमारा टॉपिक है क्लास इलेवेंथ की बिजनेस स्टडीज से जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर वन हमारे चैप्टर का नेम है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस जिसमें आज का हमारे वीडियो में हम देखेंगे कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस क्या होता है मतलब बिजनेस का मतलब क्या होता है बिजनेस की डेफिनेशन क्या है बिजनेस में क्या क्या इंक्लूड करते हैं हम और बिजनेस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं बिजनेस इंक्लूड्स बिजनेस में क्या क्या इंक्लूड होता है सारे ऑक्यूपेशन ऑक्यूपेशन होता है व्यवसाय सारे व्यवसाय विच इन्वॉल्व जिसमें क्या होता है प्रोडक्शन सेल परचेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जहां पे भी प्रोडक्शन हो रही हो सेल हो रही हो परचेज हो रही हो खरीदारी हो रही हो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा हो किसका जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है प्रॉफिट कमाना उसे हम क्या कहेंगे बिजनेस है उसे हम कहेंगे बिजनेस इन मॉडर्न टाइम मॉडर्न टाइम में बिजनेस नॉट ओनली डीलिंग विद गुड्स एंड सर्विसेज बिजनेस का मतलब यही नहीं है कि खाली अब गुड्स एंड सर्विसेज में डील करो या खाली आप पैसा कमाओ बिजनेस में और भी चीजें आती हैं बिजनेस इंक्लूड्स द फॉलोइंग एक्टिविटीज वो कौन कौन सी एक्टिविटीज है फर्स्ट है क्रिएटिंग अ कस्टमर फॉर इट बिजनेस का मतलब क्या है अपने आप के लिए आप कस्टमर क्रिएट करो अपने आप कस्टमर तक पहुंचो कस्टमर क्रिएट करो मार्केट क्रिएट करो तो क्रिएटिंग अ कस्टमर फॉर इट्सल्फ मतलब अपने आप कस्टमर क्रिएट करना कन्वर्टिंग इकोनॉमिक रिसोर्सेज इंटू गुड्स एंड सर्विसेज जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं उनको आप किस में कन्वर्ट करोगे गुड्स और सर्विसेज में तभी तो आप वो सेल करोगे तभी तो आप कस्टमर क्रिएट करोगे उनको कुछ तो सेल करोगे या सर्विसेज प्रोवाइड करोगे थर्ड है इनोवेटिव न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इनोवेटिव होता है इनोवेटिंग करना मतलब कुछ नया डिस्कवर करना कुछ नया आविष्कार करना अगर आप डेली डेली एक ही प्रोडक्ट सेल करोगे तो कौन आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होगा आपको टाइम बाय टाइम साइड बाय साइड आपको थोड़े टाइम में अपने प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ इनोवेशन करनी जरूरी होती है इससे क्या होता है कस्टमर और अट्रैक्ट होते हैं मार्केटिंग विज इनोवेटिव प्रोडक्ट एंड सर्विसेज और आपको क्या करना पड़ेगा उसकी मार्केटिंग करनी जरूरी है आपने देखा होगा आपकी जो भी टीवी चैनल पे सारे ब्रांड की मार्केटिंग होती है पेस्ट की मार्केटिंग होती है सोप की मार्केटिंग होती है तो कोई भी नया प्रोडक्ट आया है उसकी मार्केटिंग करना जरूरी है तभी कस्टमर उसके बारे में अवेयर होंगे और वो प्रोडक्ट खरीदेंगे तो ये क्या है बिजनेस में सिर्फ सामान अगर आप डील करना और प्रॉफिट कमाना ही बिजनेस नहीं बिजनेस में ये सारी एक्टिविटीज हमारी आ जाती है अब हमारे पास एक चार्ट है जिसमें हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स नेचर ऑफ बिजनेस बिजनेस का क्या नेचर है क्या उसकी विशेषताएं हैं फर्स्ट है एन इकोनॉमिक एक्टिविटी अभी हम इनके बारे में डिटेल डिटेल में पढ़ेंगे एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब जिसका मोटिव पैसा कमाना है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिजनेस में गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन होना जरूरी है सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज या तो सेल और एक्सचेंज होना हो रहा हो उसके बाद डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए जो भी काम होना चाहिए रेगुलर होना चाहिए कभी कभी अगर आप डील कर लोगे इसका मतलब आप बिजनेस नहीं कर रहे हो आपको रेगुलर होना पड़ेगा उसमें प्रॉफिट अर्निंग जिसका मेन मोटिव है पैसा कमाना अनसर्टेनिटी ऑफ रिस्क और रिटर्न जहां पे क्या है रिस्क भी होगा रिटर्न भी होगा और चीजें क्या होगा अनसर्टेन होगी आपको नहीं पता होगा कि आपको पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा जिसमें सारी चीजें क्या है रिस्की होंगी तो ये होता है हमारा बिजनेस अब अब हम इन्हीं को सारे को एक बार डिटेल में पढ़ते हैं नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस में फर्स्ट है हमारा एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी इसे इसीलिए बोला गया है क्योंकि इसका मेन मोटिव क्या है पैसा कमाना इट इज परफॉर्म विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी इसका मेन मोटिव है पैसा कमाना एंड लाइवलीहुड इसलिए हम बिजनेस को क्या कहते हैं बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है सेकंड है प्रोडक्शन प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करना या उनको प्रिक्योर करना गुड्स एंड सर्विसेज को गुड्स एंड सर्विसेज को प्रिक्योर करना ही बिजनेस में आएगा बिजनेस में क्या आता है प्रोड्यूस और प्रिक्योर गुड्स एंड सर्विसेज तो ये बिजनेस का क्या है बिजनेस की विशेषता है अगर ये सब चीजें हो रही हैं तो इसका मतलब क्या है कि कोई बिजनेस कर रहा है थर्ड है सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिजनेस में क्या क्या आता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेल्फ इज नॉट बिजनेस अगर कुछ आप प्रोडक्शन कर रहे हो और उसको खुद कंज्यूम कर रहे हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिजनेस कर रहे हो उसका कंजप्शन नहीं होना चाहिए आपको सेल और एक्सचेंज करना जरूरी है तभी वो बिजनेस माना जाएगा फॉर एग्जाम्पल फार्मर कल्टीवेटिंग क्रॉप फॉर हिमसेल्फ कोई किसान है वो कुछ क्रॉप उगा रहा है फॉर एग्जाम्पल उसने गेहूं उगाए और उसको वो खुद कंज्यूम कर दे रहा है तो इसका मतलब वो बिजनेस नहीं है नॉट बिजनेस अगर अपने आप के लिए वो क्रॉप उगा रहा है तो वो नॉट बिजनेस है फार्मर कल्टीवेटिंग क्रॉप फॉर सेल अगर वो सेल कर रहा है वो ऐसे क्रॉप उगा रहा है जिनको वो बेचना चाह रहा है या उनको बेच रहा है तो वो हमारा बिजनेस है तो बिजनेस की ये कंडीशन है कि वहां पे सेल और एक्सचेंज होनी जरूरी है अगर कोई पर्सन अपने लिए कंजप्शन करने के लिए कुछ कर रहा है तो वो बिजनेस नहीं है उसके बाद फोर्थ पॉइंट है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन डेली बेसिस डेली बेसिस का मतलब है रेगुलर बेसिस आप कोई भी काम रेगुलर करोगे तो बिजनेस है बाइंग बाइंग और 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 सेलिंग सेलिंग ऑन रेगुलर बेसिस इज इज बिजनेस बिजनेस बट वंस ट्वाइस नॉट आपने कभी बोलते ना इक्का दुक्की बार आपने सेल कर ली तो वो बिजनेस नहीं है आपको क्या करना पड़ेगा रेगुलर बेसिस पे सेल परचेज करनी पड़ेगी तभी वो बिजनेस कहलाएगा फॉर एग्जाम्पल इफ वन पर्सन सेल हैज ओल्ड हाउस टू बाय अ न्यू हाउस किसी पर्सन ने क्या कर अपना पुराना घर बेचा और नया घर खरीद लिया तो ये बिजनेस नहीं है बट इफ अ पर्सन सेल और बाय हाउस ऑन रेगुलर बेसिस बट अगर कोई पर्सन प्रॉपर्टी डीलर है वो क्या कर रहा है अपना घर एक घर बेच रहा है दूसरा खरीद रहा है दूसरा खरीद रहा है तीसरा बेच रहा है वो अगर वो ऐसे ही कंटिन्यूअसली कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे इनकम कमाने के लिए फॉर एग्जाम्पल एक हाउस उसने खरीदा टेन लाख में दूसरा फिर बेच रहे उसको ट्वेल्व लाख में तो उसको टू लाख रुपीज का क्या हो गया प्रॉफिट हो गया तो इसका मोटिव क्या है प्रॉफिट अर्निंग है और वो रेगुलर बेसिस पे कर रहा है तभी वो बिजनेस है फिफ्थ पॉइंट है हमारा प्रॉफिट अर्निंग मेन पर्पज ऑफ बिजनेस इज अर्न मनी बिजनेस का मेन मोटिव क्या है पैसा कमाना इफ गुड्स गिवन इज चैरिटी इज नॉट बिजनेस अगर आप किसी को दान में कुछ दे देते हो वो बिजनेस नहीं है क्योंकि वहां पे आप क्या कर रहे हो पैसा नहीं कमा रहे तो ये सारे अगर जहां पे कंडीशन फुलफिल होंगी तभी बिजनेस माना जाएगा उसके बाद अनसर्टेनिटी ऑफ रिस्क और रिटर्न बिजनेस में क्या है हमेशा रिस्क और रिटर्न होगा चीजें अनसर्टेन होंगी चीजें फिक्स नहीं होंगी तो वही हमारा बिजनेस है देर इज ऑलवेज पॉसिबिलिटी ऑफ रिस्क एंड रिटर्न आपने सुना होगा ना बिजनेस में क्या होता है रिस्क होता है रिटर्न होता है रिस्क होता है उसके अकॉर्डिंग रिटर्न होता है मतलब क्या है कि रिस्क लेना पड़ता है हर बिजनेस मैन को देर इज ऑलवेज पॉसिबिलिटी ऑफ रिस्क रिटर्न इट इज नॉट ऑलवेज सर्टेन ये सारी चीजें क्या होती है फिक्स नहीं होती डेट बिजनेस मैन विल अर्न प्रॉफिट एज मार्केट कंडीशन में चेंज ये जरूरी नहीं है कि हमेशा बिजनेस पैसा कमाएगा हमेशा उसको प्रॉफिट होगा एज मार्केट कंडीशन में चेंज क्या हो सकता है कुछ कंडीशन मार्केट की चेंज हो सकती है कस्टमर टेस्ट चेंज हो सकता है टेक्नोलॉजी अच्छा चेंज हो सकती है ड्यू टू दिस बिजनेस इम्पैक्ट फॉर एग्जाम्पल आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा बिक रहा था मार्केट में बट कस्टमर की प्रेफरेंस चेंज हो गई कोई और न्यू प्रोडक्ट मार्केट में आ गया और कस्टमर उसको लेना ज्यादा पसंद कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा आपके बिजनेस को हो जाएगा लॉस तो इसका मतलब नहीं कि अगर आप पहले प्रॉफिट कमा रहे थे तो बाद में भी प्रॉफिट कमाओगे मे बी कोई टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है ड्यू टू दिस बिजनेस इम्पैक्ट और इससे क्या है बिजनेस इम्पैक्ट करेगा सो इन बिजनेस देयर इज ऑलवेज रिस्क इनवॉल्व तो बिजनेस में क्या है हमेशा कुछ ना कुछ रिस्क है इसीलिए उसको कहा जाता है बिजनेस तो so हमारे ये क्या थे सिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस और अगर ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी तभी वो बिजनेस माना जाएगा इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विस होना चाहिए या सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज होना चाहिए डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस प्रॉफिट अर्निंग होना चाहिए अनसर्टेनिटी ऑफ रिस्क और रिटर्न होना चाहिए तभी ये हमारे बिजनेस माना जाएगा तो थैंक यू फ्रेंड्स आगे वीडियोस में हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग माई चैनल अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू